हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकेट बॉल वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफिनाले जो होने वाला है 9 नवंबर को 1:30 बजे दोपहर में। बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है क्योंकि एक तरफ होने वाली है पाकिस्तान और दूसरी तरफ होगी न्यूजीलैंड। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो जिम्बाब्वे से हारने के बाद हम सब ने एक सोच लिया था, माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि अब पाकिस्तान बाहर हो चुकी है क्वालिफाई करने की रेस से। लेकिन ये सबसे बड़ा अपसेट था इस वर्ल्ड कप का कि साउथ अफ्रीका बाहर हो गई और पाकिस्तान ने लगातार मैच जीत के इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है सदाब खान को और पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है। इनके खिलाड़ियों की बात करें चाहे टीम की बात करें बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है और 2 बार लगातार वर्ल्ड कप में फाइनल खेल भी चुकी है, चाहे बात करें 2019 वर्ल्ड कप की या फिर 2021 वर्ल्ड कप की। और इस वर्ल्ड कप में भी मुझे जहाँ तक लग रहा है न्यूजीलैंड फाइनल खेलने वाली है। बाकी चीज़ें तो बाद में पता चलेगी कौन किस पे भारी रहने वाला है। लेकिन देखो ऐसे हम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो पाकिस्तान के नॉकआउट में अगर हम देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़्यादातर मैचेस में पाकिस्तान के ज़्यादातर जीतने के चांसेस होते हैं क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराई है और हमने देखा है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के सामने ज़्यादातर हारी। लेकिन वो मैच दुबई के थे और ये मैच आपके ऑस्ट्रेलिया पिच पे है और ऑस्ट्रेलिया पिच की अगर हम बात करें तो वहाँ पर न्यूजीलैंड की एक्सपीरियंस पाकिस्तान से ज़्यादा है और ज़्यादातर मैचेस भी वही जीते हैं। तो दुबई में आप जीत सकते हो, यहाँ पर जीत के दिखाओ तब पता चलेगा किसकी टीम में कितना दम है, इस खेल में आपको कौन दिलाने वाला है सबसे ज़्यादा पॉइंट, कैसी होगी पिच, कौन बनाएगा ज़्यादा रन और क्या ट्रेंड बोल, बात करें लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट या फिर बात करें टीम सऊदी की राइट आर्म मीडियम फास्ट और लोकी फर्ग्यूसन की जो तिकड़ी है ना, इसके सामने पाकिस्तान के बैट्समैन को बहुत बचना पड़ेगा इस खेल में। तो जल्दी बात करते हैं सारे चीज़ों की, जीव में कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन की स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस क्या होने वाली है और मैंने आपको जीएम में जीतने की 5 टिप्स वाली वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और इसीलिए मैंने सेमीफिनाले के पहले डाल दिया था ताकि आप देख लो कि आप जो गलती कर रहे हो जीएम में ना वो गलती आप बार बार मत करो, क्योंकि अगर जीएम में विन करना है तो कुछ चीज़ें आपको पहले से माइंड सेट करके चलनी है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलना है और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके देख लो कि जीएम में आप नज़दीक कैसे जा सकते हो। और इस मैच की बात कर लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले बात करेंगे मैच की वेन्यू की। ये मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है। अगर मैं इस पिच की बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिच है, अगर बॉलिंग अटैक की बात करूँ पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं और मौसम बहुत क्लियर रहने वाला है, बहुत अच्छा खेल देखने को मिलने वाला है और इस पिच पे हमने देखा कि इस तरह से रन बनते हैं और ये मैच भी मुझे लग रहा है हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। अब बात करेंगे पिच स्टार्स की। पिच पे टोटल 15 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैच जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने टोटल 6 मैच जीते हैं। अगर बात करें एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग की 171 है, हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 221 पे 5 विकेट है, लोएस्ट स्कोर की बात करें तो श्रीलंका ने बनाया 102 रन बना के पूरी टीम पवेलियन लौट गई थी। स्कोरिंग पैटर्न की तरफ नजर डाल देते हैं, 150 से नीचे का स्कोर 4 बार बन चुका है, 150 से 169 का स्कोर भी 4 बार बन चुका है, 170 से 189 की बात करें तो 3 बार बन चुका है, 190 प्लस का स्कोर भी 4 बार बन चुका है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया पिच पे पेसर्स के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ देख भी सकते हो लास्ट 10 मैच की बात करें तो पेसर्स काफ़ी विकेट निकाल के इस पिच पे दे रहे हैं। अब बात करेंगे इस पिच पे होने वाले आखिरी 3 मुकाबलों में किस तरह के मैचेज हुए और ये मैच भी उन सबसे रिलेटेड किस तरह का देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बेसिस पे ना आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर मौके किसके बनने वाले हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच हुआ था आप उसमें देखो फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड ने 167 रन बनाए थे और पहले बैटिंग करते हुए जीता था उस मैच को। उस मैच में टोटल विकेटें गिरी थी 17 विकेट जिसमें से आपके स्पिनर्स को मिली थी 7 विकेट और बात करें पेसर्स की तो मिली थी टोटल 9 विकेट। दूसरा मैच अगर हम बात करें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाला जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने 185 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए और उसको चेज करते हुए साउथ अफ्रीका ने केवल 108 रन बना पाई थी, टोटल 18 विकेट गिरे थे जिसमें से स्पिनर्स को केवल 3 विकेट मिली थी और पेसर्स को वहाँ पर मिली थी आपके 13 विकेट। तो आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है कि पेसर्स को विकेट ज़्यादा मिल रही है, आंकड़े यही कह रहे हैं। लास्ट मैच भी अगर आप देख लो श्रीलंका इंग्लैंड वाला जो मैच हुआ था उसमें चेज करते हुए इंग्लैंड की टीम ने जीता था क्योंकि स्कोर काफ़ी छोटा था और वहाँ पर आपके टोटल विकेटें गिरी थी 14 विकेट जिसमें से स्पिनर्स को मिला था 5 विकेट और पेसर्स की बात करें तो टोटल 8 विकेटें मिली थी और वहाँ पर भी पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिली थी और इसीलिए भी आप पे मैंने आपसे कहा है कि पेसर्स को इस पिच पे ज़्यादा विकेट मिलती है और तब आप समझ सकते हो कि किसके ज़्यादा चांसेस होंगे मैच जीतने के। बाकी तो टीम के बारे में आगे बात कर लेते हैं, चलिए बात करेंगे क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11।
पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे बाबर आजम, उनका साथ देते हुए दिखेंगे मोहम्मद रिजवान। अगर मैं दोनों ही खिलाड़ियों की बात करूं तो रिजवान काफी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन रिसेंटली आप देखो ना बहुत सारे मैचेस में वो बहुत फ्लॉप नजर आया, और ये वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है रिजवान और बाबर दोनों के लिए नहीं बनाया, क्योंकि दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और पाकिस्तान जो यहाँ तक पहुंची है ना, जो कहा जाता था कि बाबर रिजवान पे आधी पाकिस्तान की उम्मीद टिकी होती है, वो चीज मिट चुकी है वो मिथ, क्योंकि टीम ने प्रूव कर दिया, चाहे बात करें इफ्तिकार अहमद की या बात करें सिदाब खान की, जिस तरह से परफॉर्म किया शाहीन अफरीदी, हरीश राव, वसीम जूनियर ने, तो परफॉर्म कर रहे हैं खिलाड़ी और उसी बेसिस पे यहाँ तक पहुंचे। लेकिन ये मैच जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे शान मसूद, उसके बाद आने वाले इफ्तिकार अहमद। लास्ट मैच में सबने सोचा था कि इफ्तिकार बैटिंग करेंगे, ज्यादातर एप्लीकेशन में आपने देखा भी होगा बैट्समैन में इफ्तिकार को डाला गया था, लेकिन भाई वो पिच आप प्लेयर्स के अकॉर्डिंग जो ना, इसलिए मैं कहती हूँ आप प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हो, अगर आपके सामने वाले टीम में ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो आपका राइट आर्म स्पिनर की बॉलिंग आने वाली है, और वही रीजन था कि इनसे बॉलिंग कराई गई और इफ्तिकार अहमद ने विकेट भी वहां पर निकाल के दिया था। उसके बाद नजर आएंगे मोहम्मद हैरिस, दो तीन मैच से इनको टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि जब टीम अपने बैट्समैन पे भरोसा खो चुकी है तो हैरिस पे भरोसा दिखा रही है। स्टार्टिंग के आपके विकेट चले जा रहे हैं तो हैरिस वहाँ पर पारी संभाल रहे हैं, 25-30 रन की पारी खेल के इस मैच में भी आपको दे सकते हैं। उसके बाद नजर आएंगे सिदाब खान, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, हर मैच में लगातार आप चार मैच उठा के देख लो खिलाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तीन विकेट चार विकेट हर मैच में ले रहे हैं। उसके बाद नजर आएंगे मोहम्मद नवाज, जिन्होंने अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया है, इस मैच में हो सकता है कुछ कर दे, तो आप जेल के 5% टीम में रिस्क ले सकते हो। बॉलिंग अटैक की बात करें तो मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिन शाह अफरीदी और हरीश राउफ, एग्जैक्ट प्लेइंग 11 देखो यही रहने वाली है। पाकिस्तान कोई बड़े चेंजेस नहीं करने वाली है, क्योंकि इसी टीम के साथ यहाँ तक पहुँची है तो आगे भी पहुँचेगी। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ पावर प्ले में आपके बॉलिंग कराने आएंगे शाहीन अफरीदी, हरीश रॉफ, और एक दो ओवर पड़ेंगे वहाँ पर आपके वसीम जूनियर के। मिडिल ओवर में नसीम शाह, मोहम्मद नवाज या फिर मुझे लग रहा है सदाब खान के, देखो 2-3 ओवर सदाब खान के आने वाले, इफ्तिकार अहमद भी अपने एक ओवर डालेंगे, तो इस तरह की कंप्लीट बॉलिंग ऑर्डर रहेगी पाकिस्तान की तरफ से। आप बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स की, देखो स्टैट्स क्यों आपके लिए जानना जरूरी है ना, जब आप जीएल की टीम बनाते हो, बड़ा मैच है, बिटिंग बड़ी करनी है, बड़ा टीम बनाना और जीएल में काफ़ी रिस्क लेना है, कुछ टीमों में स्मॉल लीग में हमको सेफ भी जाना है, तो वो सेफ जाने के लिए हमें कौन से प्लेयर को अपने टीम में रखना है, और रिस्क लेने के लिए हमें वो 3-4 खिलाड़ी कौन से ऐसे हैं जिस पे रिस्क लेना है, तो वो चीज़ें आपको इस स्टैट्स से क्लियर हो जाएगी। बाबर आजम राइट हैंडेड बैट्समैन 0-4-4-6 रन, लास्ट मैच में 25 रन बनाए थे। रिजवान राइट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपर, 4 रन 14 रन 49 रन 4 रन, लास्ट मैच में 32 रन बने थे। शान मसूद लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 52-44 12-2, लास्ट मैच में 24 रन बनाए थे। इफ्तिकार अहमद राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 51-5-6-51, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था, रन नहीं बनाया था लेकिन विकेट लिया था और टीम में काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। मोहम्मद हैरिस राइट हैंडेड बैट्समैन 41-6-7-28-31, जब से हैरिस टीम में एंट्री हुई है बैटिंग लाइन अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान की थोड़ी बैलेंस नजर आ रही है, क्योंकि नीचे तक के प्लेयर आपके बैटिंग कर रहे हैं। सदाब खान राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म लेग ब्रेक स्टाइल से बॉलिंग कराते हैं, 5 रन 0 विकेट 17 रन 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, लास्ट मैच में 2 विकेट, आप देखो इसमें एक अर्धशतक भी जड़ा है। सदाब खान को लास्ट 4 मैच, जब से पाकिस्तान जो 4 मैच जीत के यहाँ आई है क्वालिफाई की, उसमें सबसे बड़ा आप देखो अच्छा पॉइंट किसने दिलाया, सदाब खान ने दिलाया कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद बात करेंगे वसीम जूनियर राइट आर्म मीडियम बॉलर, 0 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट मिले थे। मोहम्मद नवाज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 2 विकेट 22 रन 0 विकेट 0 विकेट, लास्ट मैच में 4 रन बने थे। हरीश राव राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में 1 विकेट मिलते हैं। हरीश राव को विकेट मिल रही है, एकाका विकेट हर मैच में मिल रही है। साहिन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, लास्ट मैच में 4 विकेट। लास्ट 2 मैच से अफरीदी एकदम फॉर्म में आ चुके हैं, जिस तरह से स्टार्टिंग में विकेटें नहीं मिल रही थी लेकिन अभी आप देखो तो अफरीदी को विकेट मिल रही है, 3 विकेट 4 विकेट लास्ट 2 मैच में, टोटल 7 विकेटें ले ली हैं। नसीम शाह राइट आर्म फास्ट बॉलर, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली थी। नसीम शाह काफ़ी रिस्की प्लेयर होने वाले हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप नसीम शाह पे रिस्क ले सकते हो अपने 4-5% टीमों में। यहाँ पर आपके सेफ प्लेयर होने वाले हैं रिजवान, इफ्तिकार अहमद, सदाब खान, वसीम जूनियर, हरीश राव और साहिन अफरीदी, ये 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके साथ आप एकदम सेफ जा सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप मसूद हैरिस, अगर बात करूँ मोहम्मद हैरिस, और इसके अलावा आप नसीम शाह, ये 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पे आप इसमें, आप नवाज भी, क्योंकि नवाज भी परफॉर्म अभी तक नहीं कर रहे, तो ये 3-4 खिलाड़ियों पे आप रिस्क ले सकते हो। अब बात करें थे न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11, न्यूजीलैंड इस
इस वर्ल्ड कप में अगर मैं 2022 वर्ल्ड कप की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट टीम है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और यहाँ पर इनको हराना बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड फाइनल में जाने वाली है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बैलेंस टीम। जो खिलाड़ी, अगर बात करें डेवन कॉनवे की, कॉनवे इस मैच में आपको बहुत तोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत पिटाई होने वाली है, चाइना और हैरिस रॉक की, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर एलन अगर टिक गया तो वहाँ पर आपके समझो 15 बॉल पे बहुत, मतलब 35 रन भी बन सकते हैं। केन विलियमसन गलत समय पे फॉर्म में आ चुके हैं, लास्ट मैच में अगर आपने देखा होगा 174 के स्ट्राइक रेट से खेला था, जिस मैच में उन्होंने, अगर मैं बात करूँ, 35 गेंदों में 60 प्लस की पारी खेली थी और बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए थे। बड़े बड़े शॉट निकल रहे हैं, छक्के चौके लगा रहे हैं लगातार, तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे डेवन कॉनवे, फिन एलन फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, केन विलियमसन, उसके बाद नजर आने वाले हैं डेरियन मिचर, ग्लेन फ्लिप। अगर मैं बात करूँ सिडनी के पिच की, तो यहाँ पर ग्लेन फ्लिप के भी रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर नजर आएंगे जिमी निशम, फिर देखने को मिलेंगे मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर भी मिडिल ओवर में बहुत अच्छा प्ले रोल कर रहा है, बहुत अच्छा, मतलब इनको विकेटें मिल रही है, हर मैच में विकेट निकाल के दे रहे हैं। फिर नजर आने वाले टीम सऊदी, लोकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, इसोल्ड। यहाँ पर आप देखो, ये तीन खिलाड़ी इस मैच को बना देंगे। अगर न्यूजीलैंड जीतेगी तो उसमें सबसे बड़ा रोल होगा इन तीन खिलाड़ी का। और अगर मैं इस पिच पे बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट के रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लास्ट अगर तीन मैच में आप देखोगे तो उस तीन मैच में इनको टोटल 8 विकेटें मिली, और बॉलर्स के लाइन में अगर मैं बात करूँ तो दूसरे तीसरे टॉप रैंक पे हैं इस पिच के बॉलिंग रिकॉर्ड में। और टीम सऊदी भी आपके 5वें 6वें रैंक पे आ जाएंगे, क्योंकि इनको भी ऑलमोस्ट 6-7 विकेटें इनको भी मिली। और काफी, जिस तरह से देखो ये बॉलिंग अटैक रहती है ना, इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है राइट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का ना, तो वो वहां पर बहुत काम आता है, वहां पर बैट्समैन फंसते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के लास्ट 5 मुकाबले के स्टैट्स की। डेवन कॉनवे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, विकेट कीपर 92-1, लास्ट अगर 2 मैच में देखो तो 3 और 28 रन बनाए, लेकिन इस मैच में मुझे पता है डेवन कॉनवे बड़ा स्कोर करने वाले हैं, एटलीस्ट आपको 50 प्लस की पारी देंगे। फिन एलन राइट हैंडेड बैट्समैन, विकेट कीपर 6 रन 42 रन 1 रन 16 रन 32 रन। केन विलियमसन राइट हैंडेड बैट्समैन, 3 रन 23 रन 8 रन 40 रन, लास्ट मैच में 61। आखिरी 2 मैच अगर आप देखो तो केन विलियमसन ने पूरा गेम पलट के रख दिया है। और न्यूजीलैंड की तरफ से बैट्समैन, अगर मतलब बॉलिंग तो बहुत मजबूत थी, अभी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत हो चुकी है जब से केन इस तरह के खतरनाक फॉर्म में आए हैं। ग्लेन फ्लिप राइट हैंडेड बैट्समैन, 20/12 104 रन 62 रन 17 रन, और ग्लेन फ्लिप का इस पिच पे भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और ऐसे नॉर्मली भी आप देखो तो फॉर्म भी बहुत अच्छी चल रही है। डेरियन मिचेल राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर, 16 रन 22 रन 3 रन 31 रन। डेरियन मिचेल की देखो बहुत मैचों में बैटिंग नहीं आती, क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन अगर बैटिंग आएगी तो 25-30 रन बना के देने वाले। बैटिंग लाइन बहुत लंबी है न्यूजीलैंड की। जिमी निशम लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 26 रन 5 रन 6 रन 0 रन। देखो जिमी निशम बॉलिंग नहीं करने वाले, मुझे नहीं लग रहा है इस मैच में बॉलिंग करेंगे। अगर इनसे बॉलिंग कराई जाएगी, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन अगर बनता है तो वहाँ कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा ओवर नहीं डालने वाले हैं। मिचेल लास्ट मैच में भी एक भी ओवर नहीं डाले थे जिमी निशम ने। मिचेल सैंटनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में 2 विकेट। आप देखो मिचेल सैंटनर को विकेट मिल रही है, और इस मैच में भी विकेट कंफर्म मिलने वाली है। टीम सऊदी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। ट्रेंट बोल्ट की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। और ट्रेंट बोल्ट को लास्ट 2 मैच में विकेटें नहीं मिली है, लेकिन वो दोनों मैच का कसर इस मैच में पूरा करने वाला है ट्रेंट बोल्ट। अगर आप चाहो तो इनको कैप्टन के लिए भी रिस्क ले सकते हो, मुझे लग रहा है इस मैच में ट्रेंट बोल्ट सबसे अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं। फिर नजर आएंगे लोकी फर्ग्यूसन, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, जब इनकी गेंद आएगी ना इतने हाई स्पीड से, 150 प्लस की स्पीड से जब गेंद आएगी ना, तो वहाँ पर बाबर और रिजवान को अपना थोड़ा चेहरा बचा के खेलना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि बहुत तेज गेंद आने वाली है, और पाकिस्तान के बैट्समैन को वहाँ पर सेफ रहना ज़्यादा जरूरी है। 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट मैच में 3 विकेट मिली थी, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इस थोड़ी राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में भी 2 विकेट मिली थी। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बताया है प्लेयर स्टैट, की स्टैट्स आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत सारे प्लेयर्स के आप स्टैट्स देख लो। यहाँ पर आप सेफ जाने के लिए, अगर मुझे लग रहा है आप केन विलियमसन के साथ सेफ जा सकते हो, मिचेल सैंटनर, टीम सऊदी, लोकी फर्ग्यूसन, ये 4 खिलाड़ी ऐसे इस थोड़े जिनको हर मैच में विकेट मिली, ये 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एकदम सेफ आप जा सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेवन कॉनवे, फिन एलन में से किसी एक पे रिस्क ले सकते हो, इसके अलावा निशम बहुत रिस्की हो जाएगा वो तो। और अगर मैं बात करूँ ट्रेंट बोल्ट या लोकी फर्ग्यूसन पे आप इस बार रिस्क लो, ये मुझे लग रहा है कि इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, मैं आपको सबसे पहले देखो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है माई मास्टर 11 फैंटेसी एप्लीकेशन। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है,
हरमनप्रीत कौर इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अगर मैं बात करूँ इंस्टेंट विदड्रॉल 24/7 कस्टमर सपोर्ट लो कमीशन कॉन्टेस्ट और बहुत सारे डिपॉजिट ऑफर, ये वर्ल्ड कप में इतने अच्छे ऑफर कोई भी आपको नहीं देने वाला है। तो आप ये ऑफर देख लो डिपॉजिट का अगर आपको लुत्फ उठाना है, और अगर आप डिपॉजिट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ तो आप उस डिपॉजिट से खेल के जीत के तो पाओगे, लेकिन उसके अलावा भी एप्लीकेशन में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। तो आप देखो अगर आप 1 लाख डिपॉजिट करते हो होम थिएटर 5 लाख पे, सैमसंग टीवी 10 लाख पे, मैकबुक 25 लाख पे, BMW बाइक 50 लाख पे, टाटा टियागो और 1 करोड़ डिपॉजिट करते हो आप, तो वहाँ पर आपको मिलने वाली हुंडई क्रेटा। तो ये देखो इतने बड़े ऑफर आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं देने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ माय मास्टर इलेवन पे आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए माय मास्टर इलेवन एंड फैंटेसी एप्लीकेशन और खेलिए अपना जीत का मास्टर स्ट्रोक एंड यूज माय रेफर कोड विनर एंड गेट इंस्टेंट 100 रुपीज़ कैश बोनस। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों टीमों ने T20 इंटरनेशनल में 28 बार एक दूसरे का आमना सामना किया है, जिसमें से पाकिस्तान को 17 बार जीत हासिल हुई है। वहीं बात करें न्यूजीलैंड की तो 11 बार जीत हासिल हुई है। यहाँ पर देखो आंकड़े तो एक तरफा पाकिस्तान की तरफ भारी दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड जितनी मजबूत टीम कोई भी नहीं है, सबसे मजबूत टीम है और बहुत टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है और ये मैच बहुत ही धांसू मैच देखने को हमको मिलने वाला है। तो सब लोग तैयार हो जाओ टीम बनाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की कि इस मैच में बाजी कौन मारने वाला है, और मेरा प्रेडिक्शन बहुत क्लियर है इस मैच में बाजी मारने वाली है न्यूजीलैंड। मुझे ऐसा लग रहा है न्यूजीलैंड जिस तरह की फॉर्म में, न्यूजीलैंड इस मैच को जीतने वाली है और वैसे भी पूरी हकदार है फाइनल में पहुंचने के लिए। और हम सब देखना चाहते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच, मजा आ रहा है इस मैच में। दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, पाकिस्तान अपने आखिरी 5 में से लगातार 3 मुकाबले जीती और यहाँ तक पहुंची है। वहीं बात करें न्यूजीलैंड की तो वो भी अपने आखिरी 5 में से 3 मुकाबले जीती है और यहाँ तक पहुंची है, इस मैच को खेलने के लिए क्वालिफाई है। पहला सेमीफिनाल मुकाबला, इतना तगड़ा मुकाबला। सारी बातें देखो प्रेडिक्शन तो हो चुकी है, आप बात करेंगे मेरे फैंटेसी टीम की कि मैंने अपनी फैंटेसी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक किए हैं। विकेट कीपर में डेवॉन कॉनवे और रिजवान मोहम्मद हैरिस, मैंने 3 विकेट कीपर सिलेक्ट किए, थोड़ा रिस्क लिया है क्योंकि अगर रिजवान जल्दी विकेट खोते तो हैरिस वहाँ पर हमको पॉइंट दिला के कवर करा देंगे। बैटर्स में केन विलियमसन, ग्लेन फ्लिप क्योंकि ग्लेन फ्लिप के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं पिच पे, इफ्तिखार अहमद क्योंकि ये आप देखो बॉलिंग से भी आपको पॉइंट दिला सकते हो और बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बाबर आजम शान मसूद से ज़्यादा रन आपको बना के देने वाले हैं। ऑलराउंडर में मिचेल सैंडलर, सदाब खान बहुत गजब की फॉर्म है। बॉलर में ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी और शाहीन अफरीदी। इस मैच की कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस होने वाले हैं डेवॉन कॉनवे। मुझे ऐसा लगता है कि डेवॉन कॉनवे को अगर आप कैप्टन बनाते हो इस मैच में डेवॉन कॉनवे सबसे ज्यादा रन बना के देंगे और वो इस कैप्टन के लिए ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मुझे अगर आप रिस्क को लेना चाहते हो तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप ट्रेंट बोल्ट के साथ कैप्टन के लिए भी जा सकते हो, इस कैप्टन के लिए आप लोगी फर्ग्यूसन या फिर टीम सऊदी में से भी किसी एक के साथ जाके रिस्क ले सकते हो। तो आप ये टीम देखो बहुत ज्यादा बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है। अगर आप इस सेम टीम के साथ भी जाते हो ना 60-70% तक के कॉन्टेस्ट आप इजिली विन कर जाओगे। लेकिन जीएम में आप और कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, तो कैप्टन के लिए डेवॉन कॉनवे और टीम सऊदी। वो इस कैप्टन की बात करो तो सदाब खान और लोकी फर्ग्यूसन, ये मेरे 4 की प्लेयर है इस मैच के लिए जो मुझे लगता है इस मैच को परफॉर्म करके देंगे और सबसे ज्यादा रन बनाएंगे और सबसे ज्यादा पॉइंट दिलाएंगे। वैसे भी आप जेब में देखो बहुत सेफ नहीं जा सकते, आप शफल करके टीम बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट टीम बनाओ, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा सेफ जाओ, बी कैलकुलेटिव इन दिस मैच क्योंकि सेमीफिनाले का बड़ा मैच है, प्रेशर सब पे रहने वाला है, खेलने वाले पे भी, टीम बनाने वाले पे भी, क्योंकि उन्हें भी जीतना है हमें भी जीतना है। तो ये 4 प्लेयर को आप एक बार ट्राई जरूर करना, मैं बता रही हूँ कि अगर आप ट्राई करते हो ना इनमें से कोई एक खिलाड़ी आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट ला सकता है। बाकी तो आपको पता है कि मेरी फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पर आपको मिलेगी देखो लाइनअप के बाहर वाली टीम, क्योंकि टॉस के बाद जो टीम बनती है ना वो बेस्ट टीम बनती है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टॉस के बाद आप कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस करो, वो चॉइस सबसे बेस्ट होने वाली है। आप पहले से इतना माइंडसेट मत कर लो कि रिजवान की अच्छी फॉर्म है तो हम रिजवान को बना लेते हैं, केन की अच्छी फॉर्म है तो केन, ऐसा नहीं जाना है। टॉस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि फाइनल टीम क्या आएगी। अगर देखो चेंजेस तो नहीं होने वाले हैं, पहली बार चेंजेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो टीम टॉस जीतेगी ज़्यादातर चांस है वो पहले बैटिंग चूज करेगी पिच पे। तो इसलिए फाइनल टीम के लिए आप ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको मिलेगी टॉस के बाद वाली एकदम बेस्ट 100% गारंटीड विनिंग टीम और बहुत सारे लोग जीत रहे हैं। मुझे इस
स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं और मैं वो स्क्रीनशॉट आपको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे दिखा भी दूंगी कि आप देख लो मेरी टीम के साथ कितनी अच्छी विनिंग लोग कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कॉमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है। नेक्स्ट वीडियो को मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ ले आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।